मोदी सरकार के जालिमाना इकदाम के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय माशरे और सियासत पर हिंदू कौम परस्ती ने गिरफ्त मजबूत कर ली है। यूरोपीय यूनियन की तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदरूनी तहकीकी मरकज की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय माशरे और सियासत पर हिंदू कौम परस्ती ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। भारत में अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में NRC और CAA कवानीन पर तश्वीश का इजहार किया गया है। मोदी हुकूमत के मुसलमानों के खिलाफ जालिमाना इकदामात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, हुकूमती डंडे के जोर पर हिंदू कौम परस्ती में इजाफे के बायस हिंदुस्तानी जमहूरियत और उसकी मईशत को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में ताजा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान की जमहूरियत और मईशत को दरपेश मसाइल के उनवान से हिंदुस्तान में हालिया समाजी सूरत हाल का जायजा पेश करते हुए कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान की सेक्युलर बुनियादों को नुकसान पहुंचाते हुए मुल्क में मजहबी बुनियादों पर कानून में तब्दीली और अकलियतों पर दबाव में इजाफा कर दिया है। मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट और उनके स्टाफ की मदद के लिए तैयार करदा इस रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में इसकी खुसूसी हैसियत के खात्मे और वहां हजारों सियासी कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का खास तौर पर जिक्र किया गया है।